नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 16 नंबर वार्ड पार्षद के पास, विजय सिंह के पास हूँ, जहाँ विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन कराया 16 नंबर वार्ड को लेकर। क्या समस्या है, कैसे करें? सर पहले नाम अपना नाम बताइए। मैं विजय कुमार सिंह, मीरगंज न्यू प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने जनता का सेवक हूँ। जनता ने मुझे अधिकार दिए हैं कि आप आ जाएं अपने वार्ड से, हम लोग आ गए हैं। फर्स्ट टाइम है सर? जनता का आशीर्वाद है, गार्जियन लोगों का आशीर्वाद है कि आप वार्ड से खड़ा हों और हम लोग हैं आप लोगों के साथ में और तत्पर खड़ा रहने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो समस्या क्या है आपके वार्ड में? समस्या तो बहुतों है। आज मान लिया या चल के देखिए, जल निकासी का समस्या है वार्ड में, नाला का समस्या है और लाइट वगैरह नहीं जल रहा है। जो आप लोगों के बीच में है, नज़र में है, इसको आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और इसको पद पर बैठाइए। पहला है मेरा यही है कि अपने वार्ड को सुशोभित करना है, स्कूल को टाइट दुरुस्त करना है, लाइटिंग व्यवस्था न है, गली में रोड नाला न है, रोड नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं। और बहुत तो गरीब ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट में लोगों का नाम है, लोग वार्डर को जिता रहे हैं, उनको आवास नहीं मिला है, उनको मान लिया जाए वोटर लिस्ट में नाम है, उनको इंदिरा आवास नहीं है, आधार कार्ड बना हुआ है उसमें गलती बहुत है, और उसके बाद मान लिया लोगों को राशन कार्ड नहीं है। टक्कर मान लिया जाए, हम लोग सीधे सीधे टक्कर में देंगे, हम लोग निकलेंगे, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है, उनको टक्कर देकर हम लोग अपने वार्ड से मनोनीत घोषित होंगे। तो हमारे साथ विजय सिंह थे, उनके समर्थन में कुछ लोग हैं, उनसे भी चलने। सर सर कैसे कैंडिडेट हैं? अच्छे कैंडिडेट हैं। उम्मीद है कि काम होगा आपके? हाँ, जरूर होगा। साथ के आदमी है तो इनसे तो ज़बरदस्ती भी करवाना है, अलग के रहते तो वहाँ तो जाना भी मुश्किल था, लेकिन जब साथ में है तो 10 बात कहेंगे तो 1 बात तो जरूर करेंगे। और भी कोई जीत बहुत के आशा है इनसे जी। इसलिए हम लोग सब मिल करके इनको खड़ा किए हैं और इनको जिताना है, और हम लोग प्रिपेयर हैं कि जीत लेना है, पूरा विश्वास है। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? उदय सिंह, राम उदय सिंह। आप सर किस तरह देखे हैं विजय जी? देखें क्या इनको तो जितना निश्चित ही जी नहीं, बहुत से होते हैं कि आपके टाइम आते हैं तो चेंज हो जाते हैं। 100% इनकी जीत सुनिश्चित है जी। ये अच्छे आदमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में। आपके वार्ड में क्या समस्या, आपको क्या लगता है किस तरह समस्या है? वही बिजली का, पानी का, यही सब प्रॉब्लम, यही सब है। और हम लोग विश्वास है यह जीतने के बाद सब कुछ ढंग से करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम दीपक कुमार। तो सभी का कहना है कि विजय जी को जीत के दिखाएं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी ये बताइए, विजय जी कैसे कैंडिडेट हैं? विजय जी कैंडिडेट है, कोई हमारे वार्ड पार्षद के ये कैंडिडेट नहीं है। हमारा मोहल्ला इनको वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा किया गया है, ये वार्ड पार्षद के रूप में नहीं है, ये विगत वर्षों से हमारे मोहल्ले को सेवा देते आ रहे हैं। जैसे कि जहाँ पे आप अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मंदिर भी उन्हीं का देन है, वर्षों से ये सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले वासी को ये विश्वास हुआ कि जब कोई अधिकार इनके हाथ में नहीं रहने के बाद ये अपना समय और बढ़ चढ़कर समाज में ये इतना सहयोग दे रहे हैं, तो अगर ऐसे, हम ऐसे लोगों को कुछ हाँ ऐसे लोगों को अगर हम कुछ प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ और हमको लाभ मिलता है। तो ये व्यक्तिगत विजय बाबू का डिसीजन नहीं है कि हम वार्ड में पार्षद बने, ये हम लोगों का जो दुर्गा पूजा का कमेटी है, ये कमेटी और हमारे मोहल्ले का जो कमेटी है, वो कमेटी के द्वारा इनको खड़ा करवाया गया है। अगर विजय बाबू जीतते हैं तो ये जीत इनकी नहीं है,
जनता हमारे मोहल्ले की थी। और आपने ये पूछा कि और प्रत्याशी हैं जिनसे उनसे कैसा टक्कर है, आपका सवाल था हमारे प्रत्याशी से। हमारा कोई टक्कर पकड़ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। हमारे जो वार्ड पार्षद पूर्व के थे उनके कामों से हम असंतुष्ट हुए। विगत दो टर्म हमने उनको मौका दिया, भी है कहीं ना कहीं। विगत दो टर्म हमने उनको मौका दिया, एक टर्म मैंने उनको पार्षद बनाया, उसमें उनका काम संतोषजनक नहीं रहने के बाद भी मैंने उनको दोबारा मौका दिया, दो बार मौका दिया। लेकिन उनका काम संतोषजनक नहीं रहा आज तक। तो मोहल्ला का डिसीजन हुआ कि ये आदमी समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं इसको वहाँ पर लाया जाए और इससे लाभ लिया जाए। और मोहल्ला को विश्वास है, मोहल्लेवासी को विश्वास है कि यह आदमी को जिस रूप में जहाँ हम खड़ा कर रहे हैं ये 101% सही उतरेंगे। विश्वास है तो इसको मुकाम तक पहुँचाना फाइनल है उसमें। कहीं कोई आपने कहा टक्कर, कहीं कोई टक्कर फक्कर है ही नहीं, क्योंकि टक्कर उसके साथ होता है कोई एक प्रत्याशी दूसरे से कंपेरिजन कर रहा है। यहाँ प्रत्याशी का कंपेरिजन तो है नहीं, यहाँ तो मोहल्ला का कंपेरिजन है सामने वाले प्रत्याशी। तो कोई एक व्यक्ति एक मोहल्ले से आगे नहीं निकल पाएगा, इनके साथ पूरा मोहल्ला कर रहा है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आनंद कुमार। कैसे जी? बहुत अच्छे हैं, ये हमेशा फैमिली मेंबर्स की तरह रहते हैं सबके साथ। अच्छा, जो आपके वार्ड पार्षद है वो पहले आपके लिए क्या किए? युवा वर्ग के लिए मैं जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा से यही सारा काम करते हैं। कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम हो, सब में यही करते हैं। जैसे दुर्गा समिति हो गई, इसमें वो है ही नहीं, सारा काम इन्हीं का है, सब काम यही करवाते हैं, चाहे कुछ भी। इस बार आपका साथ है, पूरा साथ है। और आप देख लीजिए गोली में जाके पूरा हंड्रेड परसेंट जीतेंगे, उसमें कोई क्या रखते हुए 100% जीता निश्चित रूप से। समाज से भी लोग हैं, सब इन समाज में सबका भला किए हैं, मुझे अच्छा रहे हैं, नहीं जीतने का तो चाहते न। तो क्या लग रहा है वार्ड में आप 10 साल से एक ही प्रत्याशी को जिताते आए हैं, क्या क्या समस्या आ रही है? क्या नहीं कर रहे थे रूम साथ प्रथम का ठाकुर के नाम क्या नाम बताते प्रभात कुमार प्रभात जी थे, जो सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि विजय जी का सुनिश्चित जीत होगी। जहाँ तक 10 सालों में जो है कोई काम नहीं हुआ, आप सर बताइए आपके प्रत्याशी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, जीतेंगे 100% जीतेंगे, 100 में 100% यानी कि लास्ट में आते आते वो 10% नहीं कर दीजिएगा। बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा पे बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं, सही बोल, विश्वास पर भी बोल रहे हैं। क्या नाम है? क्या जो है वो विजय का जीतेंगे, सब उसका हल कर पूरा उम्मीद है। आप सर अच्छे कर लीजिए, और इससे पहले क्या क्या समस्या? आपको राशन कार्ड है? राशन कार्ड विजय जी उठे हुए हैं, मालूम है ना कैसे कैंडिडेट? कुछ बताइए, कुछ आशा किससे रखते हैं आप? और भी प्रत्याशी है तो आपको क्या लगता है विजय जी कैसे बढ़िया है ना? गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी, जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किसान मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर, जो कि किट्रोन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसान मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसान मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमाय पट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए। किस तरह आप अपने कैंडिडेट को लेते हैं? मेरा नाम बलराम सिंह। सर आपने समस्या बताइए अपने पहले वार्ड की। नगर निगम बने हुए 10 साल हुए जी। हमारा मोहल्ला था अति पिछड़ी महिला जी,
तो दो टर्म अति पिछड़ी महिला था, काम तो कुछ हुआ नहीं। अब हमारे मोहल्ले में सड़क जाके देख लीजिए, इतने जमा हुआ रहता है पानी, घुटनों पर जमा रहता है, लाइट का कोई व्यवस्था नहीं, उसने कुछ काम ही नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे प्रत्याशी दोनों टर्म वही जीता, हम लोगों ने बड़ा अच्छा से जीता या, लेकिन तो बेकार का काम, कुछ काम तो हुआ नहीं, कोई काम ना हुआ इस 10 सालों में। और पूरे नगर निगम का देखिए स्थिति क्या बदतर है। सो तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे प्रत्याशी जिनकी समाज में पहचान हो, पकड़ हो, वो जीत के आवे और पूरे वार्ड के 16 के लोगों का दुख दर्द समझें, समस्या सॉर्ट आउट करें। विजय जी कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 16 के और अच्छे पोजीशन में हैं। अभी 4 कैंडिडेट खड़ा है लेकिन ये सबसे अच्छे पोजीशन में है और जीतेंगे तो मोहल्ला में जो भी समस्या है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, यही बात है। कि लोगों का कि मूड अब जो है चेंज होने वाला है, वार्ड पार्षद को हटाने वाले हैं यहाँ के वोटरों के द्वारा। और बताया गया कि ये जो है रोड ऊंचा होने के कारण पानी घरों तक घुस जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए इस बार जो है 16 नंबर वार्ड में चेंज करने का मूड है जनताओं का। अब तो देखने वाली बात होगी कि जब मतगणना का टाइम होगा उसमें देखना है। गाड़ी चलाने का है सपना लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किसान मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि किट्रोन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमायत पट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए। कैसे कैंडिडेट है विजय? बहुत अच्छा। ये बता रहे हैं कैसे भी पंचायती करते रहते हैं, इतना करते रहते हैं बिना कुछ हुए पंचायती और समाज के लिए समाज का काम कर रहे थे। अब पद मिल जाएगा तो और क्या लगता है आपको? हमारा बात छोड़ दीजिए, समूचे वार्ड के लिए करोड़ों रुपया नगर निगम का क्यों बर्बाद हुआ? जो सरकार रुपया लगाए तो जलाना चाहिए ना नगर निगम को। अब तो जनता इसलिए विजय जी को चुनेंगे, जलाएंगे लाइट है ना, जलेगा लाइट। हाँ उम्मीद है। हाँ जी उम्मीद है। देखिए कुछ समस्याएं बनावटी हुई तो चुनाव जब आता है तब वो उखर के सामने है, और कुछ समस्याएं जो सब दिन होती है, एक सामाजिक समरसता की, सामाजिक कार्य का और सामाजिक सोच, दुख दर्द में शामिल होने का, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहने का। आज सब लोग जो शहर में रहता है सब सक्षम है, वो अपने दम पे जी रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि चरा काम हो रहा है, हम उस पर उंगली नहीं उठाए। अच्छा, लेकिन मेरा थोड़ा सा जवाब हटके आपको जी सही बात है। हम उस प्रत्याशी को हम चाहेंगे जिनका जीवन सामाजिक हो, तो सामाजिक कार्य में चाहिए चुनावी सीजन हो या ना हो सब दिन जो लगे रहे। हम ये जानना चाहेंगे विजय जी हैं कैंडिडेट वो कैसे हैं? विजय जी के बारे में मैं क्या कहूँ, माता भगवती के दरबार में बैठे हुए हैं, हम 15-20 साल से देख रहे हैं, अपने घर का काम से तो लोग को खुश होते हैं। मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि माता का पूजा हो, समाज में किसी के घर पे कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी को किसी चीज़ की मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए या साथ खड़ा होने की बात हो, तो इनसे बेहतर तो हम
शरीर से देख रहे हैं वो तो अलग बात है, मन से और दिल से मजबूत तो कोई व्यक्ति नहीं है सामने। अच्छा, कागजी पद इनको मिल जाए कि और कुछ कर सके, बढ़ चढ़ के कर सके, बस पद तो अपने स्वभाव से हाथ। ये तो जनता के अब हाथ में, जनता की, जनता बिल्कुल जनता जो ही करती है भाई जी, कुछ दे देना अलग चीज़ है, मत बहुत सोच के लोग देते हैं, पति के कहने से पत्नी मत नहीं देती, नहीं सब आ जाए। और विजय जी के साथ 16 नंबर हर जाति हर धर्म हर वर्ग हर उम्र के लोग साथ। मैं पिछले 25 साल से इनको देख रहा हूँ सामाजिक जीवन में, इससे बेहतर व्यक्ति हमको नहीं। सब दिन बेचारे समाज को जोड़ने का काम, तोड़ने का व्यक्ति बहुत कम मिलते अपने वार्डों में जो 30 साल से समाज के कार्य में रुचि रखे और समाज का काम करे। ऐसे व्यक्ति को कुछ अपना पद भी तो चाहिए। अब जनता करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा।